एवरीवन, आई एम रुंटी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप सबके रिक्वेस्ट पे ही लाई हूँ। एंड वीडियो का टॉपिक है स्किन लाइटनिंग एंड व्हाइटनिंग। मेरा मानना है हर एक स्किन टोन की अपनी अपनी एक अलग खूबसूरती होती है, और स्किन टोन से भी जरूरी जो चीज है वो है हमें अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए। बट आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। ये वीडियो उनके लिए है जिनके स्किन में टैनिंग आ गई है, सनबर्न की वजह से पिगमेंटेशन आ गई है, या फिर ब्लैक मार्क्स है, और उन सभी के लिए जो अपनी स्किन को थोड़ा लाइटर बनाना चाहते हैं, ब्राइटर बनाना चाहते हैं। पिछले 3 महीने से काफी बिजी थी, सो अपना स्किन केयर अच्छे से नहीं कर पाई, स्किन में टैनिंग आ गई थी, तो मैंने अपनी फेवरेट एक्ट्रेस करीना कपूर का DIY पैक अपने एक हाथ पे यूज किया। देखिए, मैंने एक हाथ पे यूज किया है और एक हाथ पे नहीं, वो साफ साफ दिख रहा है। स्किन को बहुत ही स्मूथर फील करा रही है और ब्राइट भी लग रहा है। ये DIY पैक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एल्प्स गुडनेस का सैंडलवुड पाउडर। इट्स 100% प्योर पाउडर, एंड इसके साथ मैंने ऐड किया एल्प्स गुडनेस का ग्लिसरीन। पैक को बनाना बहुत इजी है, आप चाहो तो इसको एवरीडे यूज कर सकते हो, बस एक ही मिनट लगते हैं बनाने में। इसके ऊपर आप कुछ ड्रॉप्स ग्लिसरीन का डाल दे और रॉ मिल्क डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर ले। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको रेगुलर यूज करने से आपका स्किन टोन लाइटर एंड व्हाइटर बनेगी। आप इस पैक को जरूर यूज करें, 1 वीक में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसे पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद 10 मिनट्स इसे ऐसे ही छोड़ने दे। सूख जाने के बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए। इसका ग्लिसरीन और ये जो पाउडर मैं यूज कर रही हूँ, इनको मैंने पर्पल से लिया है। अगर आप भी इनको परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। 18th एंड 19th अक्टूबर को एक प्रोडक्ट परचेस करने पे उसके साथ दूसरा फ्री मिलेगा। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी टोनर, जिसको बनाने के लिए एक पैन में 1 ग्लास बराबर पानी ले लिया है। ये मैं 1 वीक के लिए बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून फ्लेक्सीड यानी आलसी के दाने ले लिया है, और इसके बाद मैं सेकंड इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करूंगी 1/2 टेबलस्पून फेनुग्रीक सीड यानी मेथी दाना, और इसको अच्छे से 10 से 15 मिनट्स तक बॉयल करना है। और जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए, इसमें हमें ऐड कर देना है रोज पेटल, मतलब गुलाब की पंखुड़ी, और इसको फिर से 10 से 15 मिनट्स तक बॉयल करना है अच्छे से। आप सभी शायद टोनिंग के लिए रोज वाटर यूज करते हैं, पर ये जो हमने टोनर बनाया है ये रोज वाटर से काफी ज्यादा पोटेंट है, क्योंकि इसमें है फ्लैक्सीड और फेनोग्रीक सीड, जो हमारे फेस में जो गड्ढे या फिर ब्लैक निशान है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। फाइनली हमारा टोनर बनके रेडी हो गया है। इसे गरम गरम ही स्टेन कर लेना है, क्योंकि इसमें फ्लैक्सीड है तो बाद में ये थोड़ा सा जेल जैसा बन सकता है। इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रे करके टैप करते हुए अप्लाई करना है, और आप इसे फ्रिज में स्टोर करके 1 वीक तक यूज कर सकते हो। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल टिप की तरफ। इसमें अपने हाथों में मैं कुछ ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल का ले रही हूँ, और इसे अपने हाथों में अच्छे से रब करके फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, और ये मेरा स्किन हो गया मॉइस्चराइज। और हमें बाहर से कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है इन 7 डेज में। आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगी है। तो ऐसे वीडियोस और देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।